Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self. Please click subscribe button and bell button for latest video. It's absolutely free. Hi friends, this is Shisha. Friends, आज आपके साथ मैं ऐसा एक टॉपिक के बारे में टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो फ्रेंड्स बहुत सारे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ज़्यादातर फ्रेंड्स हम लोगों में से हर कोई चाहता है अपनी उम्र को एकदम जवान रखे, यानी लाइफ टाइम हम लोग जवान रहे, एवर ग्रीन रहे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आज का टिप्स बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों हर कोई जवान तो रहना चाहता है, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ उम्र का जो निशानी है वो हम लोगों के फेस पे जल्दी से आता है। यानी उम्र बढ़ने का निशानी मतलब जैसे कि रिंकल आ जाना, स्किन का ग्लो खो जाना, स्किन में डार्कनेस आ जाना, स्पॉट आ जाना, तो ये बहुत सारा रीज़न रहता है स्किन को बुरा देखने के लिए। तो ये सब चीज़ आने से फ्रेंड्स हम लोगों की स्किन एजेड दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे ऐसा कौन सा टिप्स इस्तेमाल करने से फेस का रिंकल रिमूव हो, फेस में फिर से ग्लो आ जाए, फेस में जो दाग धब्बा है वो भी मिट जाए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फ्रेंड्स आप फिर से जवान दिखने लगेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स उम्र बढ़ने के साथ साथ हम लोगों के स्किन का जो ऊपर का लेयर होता है वो धीरे धीरे ढीला होने लगता है, स्किन में फाइन लाइंस आने लगता है, क्योंकि जितना दिन जाता है उतना हम लोग धूप को ज़्यादा ले लेते हैं। यानी ज़्यादा हम लोग धूप में जाते हैं तो जितना वक्त बीतता जाता है उतना ही धूप हम लोगों की स्किन में लगते रहता है और हम लोगों की स्किन डैमेज होते रहता है। धूप में जाने की वजह से हम लोगों की स्किन में डार्क पैचेस आ जाता है, स्पॉट देखा जाता है, जैसे कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिश, ऐसा बहुत सारा स्पॉट देखा जाता है। ये सब स्पॉट आप देखेंगे ज़्यादातर 24 ईयर के बाद से आ रहा है, उससे पहले किसी के स्किन में ही नहीं है। इसका वजह यही है फ्रेंड्स, आप जितना दिन बिताते हैं, मतलब हम लोगों का उम्र जितना होते जाता है हम लोग उतना ही धूप में टाइम बिताते जाते हैं, तो धूप से हम लोगों के स्किन में ये सब स्पॉट आने लगता है। तो क्या करें, धूप में तो जाना ही पड़ेगा, घर में तो अपने आप को बंद नहीं कर पाएंगे तो धूप में तो जाना ही है। पर आप हर रोज का दिन में ये टिप्स लगाते हैं तो फ्रेंड्स धूप से जो डैमेज होता है वो फुल रिमूव हो जाता है। और एक बात है फ्रेंड्स, उम्र बढ़ने के लिए रिंकल आ जाता है, रिंकल सिर्फ उम्र बढ़ने से ही नहीं आता है, उसका बहुत सारा रीज़न होता है। उनमें से एक रीज़न है स्किन में मॉइस्चर का कमी होना और धूप में जाना। धूप में ज़्यादा जाने से भी स्किन में रिंकल आता है और स्किन में नेचुरल जो मॉइस्चर रहता है वो कम होने लगता है। तो फ्रेंड्स उम्र बढ़ने के साथ साथ रिंकल फाइन लाइंस आने लगता है। तो आज हम लोग जो टिप्स जानेंगे उस टिप्स को इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग की स्किन से जो भी दाग धब्बा है, धूप के वजह से जो दाग धब्बा आता है वो रिमूव हो जाएगा और उसके साथ हम लोग की स्किन में जो रिंकल आता है वो भी रिमूव होगा और रिंकल को आने भी नहीं देगा। और उसके साथ फ्रेंड्स आपका स्किन फिर से ग्लो करने लगेगा, क्योंकि आज का टिप्स में मैं भरपूर मात्रा में मॉइस्चर ऐड करूँगी, जो मॉइस्चर आपके स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाने के लिए, यंगर लुकिंग स्किन दिलाने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए जान लेते हैं। पर दोस्तों इस वीडियो को आगे देखने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखिए मेरे वीडियो के नीचे या ऊपर एक सब्सक्राइब बटन और एक बेल बटन आ रहा है, इन दोनों को आपको क्लिक करना है। इन दोनों को क्लिक करने से नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाती हूँ उसके तुरंत बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाता है, इससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को देख पाते हैं। और मैं ऐसा और भी अच्छा अच्छा ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स जो आपको बेनिफिट दिलाता हो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो उन सभी को देखने के लिए
और उन सभी का फ़ायदा लेने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर लें। तो अभी जान लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों, हम लोग दिन भर तो कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र या फेस पैक या मेकअप वगैरह करते ही रहते हैं, पर आप रात को जब सोने जाते हैं तब आप कुछ होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा दिन का जो आपकी स्किन के ऊपर से बीता है वो सब रिमूव करके आपको हेल्दी स्किन दिलाने में हेल्प करता है। रात को सोने जाने से पहले अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर ले। आपने मेकअप लगाया है तो मेकअप को रिमूव करें और उसके बाद कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल करें और उसके बाद ही इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के लिए आपको लेना है दूध का मलाई 1 चम्मच। यानी दूध हम लोग जब उबालते हैं, उबालने के बाद दूध को ठंडा करने के बाद दूध के ऊपर जो लेयर आता है उसी को मैं यहाँ पे मलाई बोल रही हूँ, तो उसको आपको लेना है 1 चम्मच। और उसमें आपको 1/2 चम्मच ऑरेंज जूस या टमाटर का रस जोड़ना है। दोस्तों, आपको टमाटर के रस से प्रॉब्लम है यानी आपका स्किन सेंसिटिव है, आप टमाटर का रस इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑरेंज का जूस ऐड करें 1/2 चम्मच और उसके साथ 1 चम्मच आमंड ऑयल ऐड करें और उसके बाद इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। दूध का मलाई में जब भी आप लेमन का जूस या टमाटर का जूस जोड़ते हैं वो फट जाता है, आपको यो फटा हुआ लेके ही इस्तेमाल करना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस में लगा के कम से कम 1/2 घंटा रख देना है। दोस्तों, इसको लगाने का एक प्रोसेस है, मैं वो है फ्रेंड्स, हम लोग सारा दिन कुछ ना कुछ मेकअप या मॉइस्चराइज़र या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं अपने फेस में, तो उसको आपको पहले रिमूव कर लेना है और उसके बाद कोई भी फेस वॉश से अपने फेस को धो लेना है और उसके बाद ही इसको अप्लाई करना है। यानी आपका स्किन फुल क्लियर रहेगा तभी आप इस फेस पैक को लगाएंगे तो आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। इसको लगा के आपको 1/2 घंटा रखना है और 1/2 घंटे बाद धो लेना है। ये जो टिप्स है इसको धोने के तुरंत बाद ही आप देख पाएंगे आपके फेस से ग्लो आने लगा है। और इसको आप लगातार हर रोज रात को सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको परमानेंटली ग्लोइंग स्किन दिलाता है और आपके फेस में जो रिंकल आया है उसको मिटाता है और रिंकल को आने भी नहीं देता है। और आपके फेस में किसी भी किस्म का दाग धब्बा जो धूप से बना हुआ है उसको रिमूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। उसके साथ आपके फुल फेस को भी ये ब्राइट और फेयर बनाता है। तो दोस्तों, आज ही से इस टिप्स को जरूर इस्तेमाल करें, कंटिन्यू हर रोज इसका इस्तेमाल से फ्रेंड्स आप बहुत दिन तक जवान रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानकारी लेके आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।